नमस्कार आदाब दोस्तों। दोस्तों आइए चलते हैं आज की विशेष खबर पर। क्या बिलाल अस्पताल की लापरवाही से टूटा मासूम का हाथ? जी हाँ, ऐसा बताया जा रहा है कि शनिवार के रोज़ उमरा बाज़ार में रहने वाली महिला की डिलीवरी बिलाल अस्पताल में 8 तारीख के दिन कराई गई थी। डिलीवरी के बाद उन्हें बेटी पैदा हुई। वहीं परिवार वालों को बच्ची को देखकर ऐसा झटका लगा कि हम आपको बता नहीं सकते। जैसे ही उन्होंने बच्ची को देखा तो बच्ची के हाथ में प्लास्टर लगा हुआ था और उसके हाथ की हड्डी टूट चुकी थी। परिवार वालों का आरोप है कि बिलाल अस्पताल वालों की लापरवाही के कारण ऐसा हुआ है। आइए जानते हैं और देखते हैं कि क्या कहा उस मासूम के घर वालों ने। मेरा नाम मुश्तरी अब्दुल सलाम शेख है और मेरी यहाँ पे मेरी यहाँ पे ट्रीटमेंट चालू था। जब से प्रेगनेंट हूँ मैं यहीं पर ट्रीटमेंट आ रही थी और मीनास डोंगरे जो थे वो ही यहाँ पे गायनोलॉजिस्ट है। लेकिन कल जब मेरी डिलीवरी की डेट आई तो मेन मीनास डोंगरे डॉक्टर ही यहाँ पे नहीं आए, क्योंकि वो किसी वजह से जो है वो आ नहीं पाए। कोई उनकी फैमिली प्रॉब्लम थी, पर्सनल प्रॉब्लम थी, इसके लिए वो आ नहीं पाए। तो उनकी जगह पर असिस्टेंट डॉक्टर थी जिनका नाम है डॉक्टर रजिया, और एक नर्स थी जिनका नाम है नसरीन सिस्टर थी, और एक खाला माती। इन तीन लोगों ने ही जो है मेरी डिलीवरी की। तो डिलीवरी के वक्त पता नहीं इनके साथ क्या मामला, क्या गलती हुई, क्या मेरा बच्चा जो है डिलीवरी के वक्त फ़ौरन बोलो जो है जैसे ही बच्चा पैदा हुआ फ़ौरन लोग उसको जो है बाहर लेकर गए और सीधा उसको ICU में ले गए। ICU में ले जाने के बाद भी ना मेरे घर वालों को जल्दी बच्चे को दिखाए, ना मेरे पास ही बच्चे को जल्दी दिखाया। 3 बजे जो है बच्चे को हमारे हाथ में थे, और उससे पहले जो हमने पूछे कि बच्चे का तबीयत कैसी है, कंडीशन कैसा है, तो ये बोलने लगे कि बच्चे का हाथ जो है फ्रैक्चर हो गया है। अच्छा, फ्रैक्चर हो गया है तो अभी जो है हड्डी का डॉक्टर आएगा तो दिखाना पड़ेगा। और जब हड्डी का डॉक्टर आया उसने जब चेकअप किया तो उसने ये बताया कि जो है बच्चे की हड्डी जो है वो थोड़ी ब्रेक हो गई है। अच्छा, तो इसको जो है प्लास्टर लगाना पड़ेगा। बच्चे प्लास्टर लगा के अब 12 दिन इसका जो है प्लास्टर रहेगा, उसके बाद जो है ये ठीक हो जाएगा। मतलब डॉक्टर ने स्वीकार किया कि बच्चे का जो हाथ है वो डिलीवरी के टाइम पे जो मतलब लापरवाही हुई है उसके कारण मतलब बच्चे का हाथ फ्रैक्चर हुआ, डॉक्टरों ने माना इस बात को। वो ये बोल रहे हैं कि ऐसा मतलब वो बोल रहे हैं कि बच्चा वजन ज़्यादा होने के वजह से निकलने में थोड़ी परेशानी हो गई। तो हमने जो है जानबूझ के नहीं किया है, जानबूझ के हमने नहीं किया, वो अपने आप जो है हो गया। तो ये लेकिन हड्डी का जो मसला है ये सही हो जाएगा, ऐसा वो कर रहे हैं कि हड्डी का उसमें सही होगा। और हड्डी के डॉक्टर ने इसके लिए प्लास्टर लगाया, वो बोल रहे हैं कि 12 दिन तक प्लास्टर रहेगा, उसके बाद देखेंगे। और एक दूसरे डॉक्टर से जब कंसल्ट करें तो वो बोल रहे हैं कि अगर हड्डी का मसला होता है सही तो ठीक बात है, लेकिन अगर नस में बात आ गई कि नस की वजह से कुछ बच्चे का प्रॉब्लम हो गया तो हो सकता है कि बच्चे का हाथ काम ही नहीं करे, या फिर कुछ साल लग जाए उसका बच्चे का इलाज होने में, या फिर ज़िंदगी भर बच्चे का हाथ काम ही ना करे, ऐसा भी हो सकता है। इसे दूसरे डॉक्टर ने हमसे कहा। तो आप क्या इसे जो यहाँ का अस्पताल प्रशासन है उसकी लापरवाही मानते हैं? हाँ, लापरवाही है, क्योंकि मेन जो डॉक्टर है मीनाज डोंगरे उनको जो है उस वक्त रहना चाहिए था मेरे डिलीवरी के, वही जो उस वक्त मौजूद नहीं थी। और जो असिस्टेंट डॉक्टर के भरोसे जो है मेरी डिलीवरी की गई और उनकी वजह से जो ये लापरवाही, मैंने मेरे बच्चे का इतना बड़ा हादसा हो गया। और जबकि मेरा लड़की बच्चा है तो लड़की बच्चे के ऐसा होने पर कितनी तकलीफ है। तो आप चाहती क्या चाहती हैं, आप क्या होना चाहिए? हम ये चाहते हैं कि ये मेरा बच्चा कैसे भी करके ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। और ये डॉक्टर्स को जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, और जो मेन यहाँ के डॉक्टर्स हैं जो यहाँ के स्टाफ हैं उनको ये करना पड़ेगा ना, जिम्मेदारी लेना पड़ेगा उनको, ये थ्रू करना पड़ेगा कि हम लोग लेते हैं जिम्मेदारी बच्चे की, कि हम जो है आपके बच्चे को सही करेंगे। इसे प्रूफ हमको जो है डिस्चार्ज होते वक्त अगर लिख कर देंगे तो सही रहेगा। जिम्मेदारी वो लोग उठाते हैं मेरे बच्चे की, जो यही चाहते हैं। हैदर भाई क्या कहना चाहेंगे आप, आज आप लोग यहाँ बिलाल हॉस्पिटल आए हुए, क्या मामला है और किस लिए आप लोग यहाँ पे आए हुए? मोइन भाई, सुबह मुझे मेरे एक दोस्त है सलाम भाई, हाँ, उनका मुझे कॉल आया। वो गाड़ी चलाते हैं और वो फिलहाल गए हुए गाड़ी की डिलीवरी करने के लिए कहीं बाहर आउट ऑफ महाराष्ट्र, और उनकी बीवी का रात में यहाँ पर परसों यहाँ पर उनको एडमिट कराया गया था डिलीवरी के पर्पज़ से। उनकी कहाँ एडमिट कराया गया था? बिलाल हॉस्पिटल में। अच्छा,
तो परसों उनको डिलीवरी कराया गया था, मुझे कॉल किए थे कि भाई जरा कुछ होगा तो ज़रा ध्यान रखना उनके ऊपर, मेरी बीवी अकेली है यहाँ पर और उनका कोई इस वक्त में है नहीं यहाँ पर साथ में साथ देने वाला, फिलहाल आप ज़रा उनकी हेल्प करें। तो आज सुबह मुझे, तो मैं कल थोड़ा काम से था, लेकिन आज सुबह मुझे फिर से कॉल आया सलाम भाई का कि सलाम भाई हैदर भाई मेरी बच्ची की डिलीवरी हो गई, बेबी लड़की पैदा हुई है कल सुबह 9:15 बजे, मतलब 8 तारीख को सुबह 9:15 बजे बच्ची उनको पैदा हुई है। तो मैंने पूछा सब खैरियत है, बोले खैरियत नहीं है, जब उनको डिलीवरी कर रहे थे नॉर्मल डिलीवरी कराए, लेकिन जब डिलीवरी करने के टाइम में जब बच्चे को निकाले उन लोगों ने, वो बोल रहे हैं कि उनका हाथ टूट गया बच्ची का। अच्छा, तो मैं आके अभी हॉस्पिटल में आके मैंने इसकी बात पे यकीन नहीं किया, लेकिन जब मैं हॉस्पिटल में आके देखा तो वाकई उसका बच्ची के हाथ पे प्लास्टर बंधा हुआ है, और उनकी माँ वालदा से, मतलब जो बच्ची की जो माँ है उससे बात किया तो पता चला कि उसका बच्ची का हाथ टूट गया है। अब वो उनका बोलना ये है लेडीज़ का, जो उनकी जिस वाइफ है सलाम भाई की, कि ये जब डिलीवरी जब कर रहे थे तो वो बोल रहे हैं कि ये डिसलोकेट हो गया, हाथ जो है उनका डिसलोकेट हो गया, लेकिन इन्होंने जब जब हड्डी के डॉक्टर से कंसल्ट किया उसने ये बताया कि ये हड्डी इनकी टूटी हुई है आर्म के ऊपर, यानी कि यहाँ पर हड्डी उनकी टूटी हुई है बच्ची की, या तो हो सकता है कि इसका नस भी टूटा हुआ हो। तो अगर हड्डी टूटी है तो वो तो जुड़ सकती है महीना डेढ़ महीना दो महीना। हैदर भाई मेरा आपसे सवाल है कि आखिर उस बच्चे की हड्डी टूटी कैसे, क्या डॉक्टरों की लापरवाही के चलते टूटी है? बिल्कुल बिल्कुल, इंसान आज गवर्नमेंट शिवाजी हॉस्पिटल इतना बड़ा है, लाखों करोड़ों रुपया सरकार ने खर्चा किया उसके ऊपर यही सब काम के लिए, इंसान प्राइवेट हॉस्पिटल बिलाल हॉस्पिटल का नाम है, आप जानते हैं बिलाल हॉस्पिटल कितना बड़ा है, इसका नाम होने के बावजूद ये नाम है, आदमी जब यहाँ एडमिट कराता है तो ये सोचता है कि भाई हमारी वाइफ को अच्छे से डिलीवरी हो और हमारा सब कुछ स्मूथली हो, और यहाँ पर इतनी बड़ी लापरवाही होगी तो इसका जिम्मेदार कौन? सलाम भाई का बोलना ये है कि भाई इनके ऊपर गुनाह दाखिल किया जाए, इनके ऊपर जो हड्डी टूटी है इनके ऊपर 307 का कलम दाखिल किया जाए, ऐसा उनका बोलना है, उनके फादर का, बच्ची के बाप का। आप देखते हैं डॉक्टर से हमारी बातचीत हुई है, डॉक्टर ने बोला है कि हम आपको लिखित आश्वासन बात करके आपको लिखित आश्वासन देते हैं कि एक महीने के अंदर उनका हाथ ये ठीक हो जाएगा, अगर नहीं ठीक हुआ तो फिर वो कानून का सहारा, पुलिस का सहारा लेना पड़ेगा। हैदर भाई जिस तरीके की बातें सामने आ रही है कि मतलब अस्पताल में मतलब डॉक्टरों की लापरवाही के चलते बच्ची जो पैदा हुई थी उसका हाथ टूट गया है, तो आप अगर अस्पताल प्रशासन जो है मतलब इस मामले को गंभीरता से नहीं लेता है, मतलब अगर वो लिखित में नहीं देता है उसका जो बच्ची का जो इलाज का खर्चा वो नहीं उठाता है, तो फिर आप आने वाले दिनों में आप लोग क्या कार्रवाई करेंगे इसके खिलाफ? देखिए जो हम जब जो सलाम भाई जो है जब इनका ट्रीटमेंट यहाँ पर चल रहा था, चेकिंग वगैरह जब चल रही थी, तो जो यहाँ पर डॉक्टर मेन डॉक्टर है गायनेकोलॉजिस्ट जो हैं, क्या नाम है उनका, नाम है मीनाज, नाम है उनका मीनाज, मीनाज डोंगरे जी। तो मैं तो उनसे मिला भी नहीं, उनसे बात भी नहीं हुई हमारी, लेकिन वो मेन डॉक्टर थे इसके, लेकिन जब डिलीवरी हुई उस वक्त में वो अवेलेबल नहीं थे ऐसा उनसे हमारे को जानकारी मिली। रजिया डॉक्टर कोई थे असिस्टेंट उनकी, उन्होंने और वार्ड बॉय और नर्स ने मिलके इसकी डिलीवरी किया, इसका मतलब सरासर ये तो लापरवाही की है, तो इस पर 100% इस पर अगर वो जिम्मेदारी लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर हमको कानून का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। भाई क्या नाम है आपका और क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले के बारे में? बच्चे के जी, मैं बच्ची का चाचा हूँ। बच्ची के चाचा है आप जी? तो बस यही क्या कहना हूँ, ये लापरवाही की वजह से हुआ ये हॉस्पिटल के अंदर। आप भी मानते हैं कि डॉक्टर की लापरवाही के चलते बच्ची का हाथ टूटा है? अगर हमको यही सब होना था तो हम म्यूनसिपालिटी हॉस्पिटल में जा सकते थे, लेकिन हमें इतने प्राइवेट में पैसा खर्च करके, प्राइवेट में आने के बाद पैसे की कोई बात नहीं है, पैसे यहाँ पे देने के बावजूद, इतना देने के बावजूद भी लापरवाही की वजह से बच्चे का हाथ टूट गया। अच्छा, ये सब नहीं होना चाहिए थे, हम ये हॉस्पिटल में आए, लेकिन ये होने की वजह से हम नहीं चाहते कि आगे कुछ होता है बच्चे के साथ में और भी कुछ ज़्यादा जिंदगी का उससे कुछ खराब हो जाए, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हॉस्पिटल लेती है, तो उनको उससे आगे कोई कार्रवाई कुछ करना नहीं है। अच्छा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए हॉस्पिटल के, इसके हाथ का कुछ फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम हुआ अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है तो कोई बात नहीं, मामला फिर आगे खत्म करेंगे, अगर नहीं है तो फिर आगे हम FRI वगैरह जो भी कुछ करना है पुलिस कदम से उठाने की कोशिश करनी है। हालांकि क्रिटिकल पेशेंट थी, उनके पेट में गार्ड वगैरह भी जो मामला था उन्होंने बताया भी था डॉक्टर को, तो रहना चाहिए था मीनाज डोंगरे को, लेकिन उन्होंने नहीं थे, वो अपने असिस्टेंट रजिया डॉक्टर साहब से वो आके उनके डिलीवरी वगैरह कर रहे, ये मामला उनके सामने ये पेश आया।
आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए सुरक्षित रहे, सतर्क रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें और शेयर करना ना भूले, और हमसे जुड़े रहने के लिए नीचे बेल आइकन दबाना ना भूले।